नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रॉप एनालिस्ट में। अभी हम लोग नोएडा के सेक्टर 79 में खड़े हुए हैं और आज जिस प्रोजेक्ट की एनालिसिस हम लोग करेंगे, ये प्रोजेक्ट एलाइट ग्रुप का प्रोजेक्ट है गोल्फ ग्रीन्स के नाम से। तो अगर हम प्रोजेक्ट की लोकेशन की बात करते हैं तो ये प्रोजेक्ट जो है सेक्टर 79 की जो सेक्टर रोड है 45 मीटर रोड उस पर एग्जिस्ट करता है और सेकंड प्लॉट है। प्रोजेक्ट के बाद में हमें एक कॉमर्शियल बेल्ट मिलती है और प्रोजेक्ट के जस्ट रोड अक्रॉस हम देखते हैं कि हमें अथॉरिटी का 25 एकड़ का एक पार्क मिलता है। प्रोजेक्ट के पीछे 58 एकड़ का एक अथॉरिटी का गोल्फ कोर्स आ रहा है, 9 होल गोल्फ कोर्स आ रहा है और काफी सारी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज आ रही है। तो अगर हम लोकेशन की बात करें, प्रोजेक्ट एक बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे लोकेटेड है। यहाँ से हमें अगर हम मेट्रो स्टेशन की बात करें तो दोनों मेट्रो स्टेशन की हमें एक्सेस मिलती है, सेक्टर 78 वाले की और सेक्टर 79 वाले की। ये दोनों ही मेट्रो स्टेशन जो है विद इन अ किलोमीटर है प्रोजेक्ट से। तो अगर हम रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो FNG कॉरिडोर है वो प्रोजेक्ट से अराउंड 400-500 मीटर्स दूर है और ग्रेटर नोएडा जो है वो भी प्रोजेक्ट से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। लेकिन प्रोजेक्ट से डायरेक्ट एक्सेस आपको ग्रेटर नोएडा वेस्ट को मिलती है। तो ये प्रोजेक्ट जो है काफी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। अगर आपको दिल्ली जाना है, गाजियाबाद जाना है या ग्रेटर नोएडा जाना है तो आप कोई सी भी सेक्टर रोड पकड़ के प्रोजेक्ट से जा सकते हैं। प्रोजेक्ट की बात करते हैं दोस्तों, प्रोजेक्ट का जो प्लॉट एरिया है वो अपना 6.25 एकड़ का है जिसमें कि 8 टावर्स हैं। 8 टावर्स में बिल्डर 600 फ्लैट बना रहे हैं जिसमें कि आपको जो कॉम्बिनेशन मिलता है फ्लैट्स का वो 2, 3, 4 एंड 5 BHK के ऑप्शंस मिलते हैं। इसमें जो अपने साइजेस हैं 2 BHK जो स्टार्टिंग साइज है वो अपना 1200 के आसपास है और जो मैक्सिमम 5 BHK का फ्लैट है वो हमारा 2700 स्क्वायर फीट का है। अब हम टावर्स की बात करते हैं। टावर्स हमारे यहाँ पे यू शेप में है दोस्तों, जिसकी वजह से आपको सेंटर में पूरा का पूरा स्पेस मिलता है सेंट्रल वॉलीबॉल के लिए, स्पोर्ट्स की एमिनिटीज के लिए और क्लब के लिए। क्लब के अंदर आपको ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल मिलता है जो कि आपको बहुत कम सोसाइटी में मिलेगी दोस्तों। सोसाइटी के अंदर ही आपको कमर्शियल भी मिलता है जिसमें आपकी डेली रोजमर्रा की चीजें जो होती है वो मिलेंगी। इसका एक्सेस आपको 45 मीटर के रोड से भी है जो कि जिस रोड से हमारा प्रोजेक्ट लगा हुआ है। अगर हम कंस्ट्रक्शन स्टेज की बात करते हैं दोस्तों तो 8 टावर्स में से 3 टावर की कंस्ट्रक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बाकी टावर्स की कंस्ट्रक्शन ऑनगोइंग है। कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी की अगर हम बात करें तो क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है क्योंकि कंस्ट्रक्शन हमारी MYBOM टेक्नोलॉजी से हो रही है। जिस टेक्नोलॉजी को यूज करके मेट्रो के पिलर्स बनते हैं उसी टेक्नोलॉजी से हमारा पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है। एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज की बात करें दोस्तों तो 20,000 स्क्वायर फीट का आपको क्लब एरिया मिलता है। जैसा मैंने बताया कि यू शेप में हमारे टावर्स हैं तो सेंटर में आपको सेंट्रल बॉलीवुड प्लस स्पोर्ट्स की एमिनिटीज प्लस अच्छा बहुत ही बढ़िया आपको लैंडस्केपिंग। तो हम जरा कुछ दूसरे एस्पेक्ट्स में बात करते हैं जिनके बेसिस पे हम इस प्रोजेक्ट की एनालिसिस करेंगे। ये प्रोजेक्ट सेंट्रल नोएडा में है और जैसा कि हम लोग जानते हैं आज की तारीख में सेंट्रल नोएडा में अंडर कंस्ट्रक्शन इन्वेंट्रीज बहुत ही कम है। ये इकलौता एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हमको इन्वेंट्रीज अवेलेबल होती हैं। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इस प्रोजेक्ट की बहुत अच्छी है और अगर हम प्राइस सेगमेंट की बात करें तो इसमें हमें 50 लाख रुपए से लेकर 1.25 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी मिल जाती है आसानी से। तो अगर हम इस प्रोजेक्ट की एनालिसिस करें तो हम ये चीज़ देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें बहुत सारी खूबियाँ मिलती हैं, जैसे कि क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी है प्रोजेक्ट की, कमर्शियल स्पेस इस प्रोजेक्ट के अंदर है, इसके जो टावर्स हैं सारे MYBOM शटरिंग पे बने हुए हैं, 2 बेडरूम के लिए डिफरेंट टावर्स हैं, सेपरेट टावर्स हैं, 3 बेडरूम के टावर सेपरेट हैं और 4 बेडरूम के फिर 5 बेडरूम के टावर्स सेपरेट हैं, जो कि एक प्रोजेक्ट के अंदर बहुत अच्छी बात है। एक्टिविटी वाइज प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, मेट्रो स्टेशन के पास है, ग्रेटर नोएडा के पास है, FNG कॉरिडोर इस प्रोजेक्ट के बहुत करीब है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी प्रोजेक्ट की अच्छी है, प्रोजेक्ट के अंदर आपको 2, 3, 4 BHK, 5 BHK के साइजेस अवेलेबल हैं, ठीक है। पोजेशन इस प्रोजेक्ट का अभी दूर है तो आप टाइम बाय कर सकते हैं। सारे लीडिंग बैंक से प्रोजेक्ट को अप्रूवल्स, लोन अप्रूवल्स मिल चुके हैं, तो एक अच्छा प्रोजेक्ट है ये। आप इसमें अपनी मनचाही यूनिट बुक करा सकते हैं और अपनी चॉइस में इस प्रोजेक्ट को रख सकते हैं। सेंट्रल नोएडा का एक अच्छा प्रोजेक्ट है। एलाइट ग्रुप ने इसे पहले एक प्रोजेक्ट डिलीवर करा है एलाइट होम्स के नाम से, तो वहाँ के रेजिडेंट का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है एलाइट ग्रुप के साथ। तो प्रॉपर एनालिस्ट इस प्रोजेक्ट को थम्स अप देती है।